मैम आपका शुभ नाम है? अनन्या। अनन्या जी, आप इस मामले को क्या सोचते हैं? कहा जा रहा है एक तरीके की नौटंकी करी गई। बिल्कुल नौटंकी करी गई है, बिल्कुल ही बिल्कुल नौटंकी करी गई। अगर आप उन लोगों से पूछे जो एक्चुअली में एयरफोर्स में है, तो वो आपको ये बताएंगे कि ये जेट्स इतने सोफिस्टिकेटेड है कि ह्यूमन टच से दूर रखा जाए जितना उतना बेहतर। पर उन्होंने किया क्या, नींबू निचोड़ा उसके नीचे, उसके ऊपर ओम लिखा गया है ना, तो ह्यूमन टच का तो आ गया ना उसमें। तो कुछ भी ना लिखे ना, तो कुछ भी ना लिखे ना, आप गलत बोल रहे। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि एक सेकेंड रुक जाइए आप। मैंने इतना बोल, अच्छा जी बोलिए आप बोलिए। सवाल उठाया कांग्रेस ने, मैं रुके अरे एक मिनट मुझे भी बोलने लीजिए। ये सवाल उठाने वाली कांग्रेस है, कांग्रेस ने कहा ये नौटंकी की गई है, ये जो जिस धर्म जैसे पूजा किया गया एक नौटंकी है, ठीक है। 1980 में एक एयरक्राफ्ट आता है कांग्रेस के काल में, ठीक है, उस समय भी इसी हिसाब से शस्त्र पूजन होता है सारे हिंदू रीति रिवाज से, उस समय नौटंकी क्यों नहीं हुई? एक सेकेंड आज दिख रही है नौटंकी इसीलिए क्योंकि 2014 से नौटंकी ही किया जा रहा है सर, सेक्युलरिज्म के नाम पे। वैसे भी इंडिया कभी सेक्युलर थी नहीं, लेकिन आज अगर हिंदुत्व के नाम पे किसी लोगों को मारा जा रहा है, किसको? मुसलमान को। अच्छा, सक्सेना सर, नजीब कहाँ गए? आज तक उनको ढूंढा नहीं गया है। और एबीवीपी वालों ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर जो लोग उनके उनके बातों पर ध्यान ना दे तो उनके साथ नजीब जैसी हाल होगी। सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है मॉब लिंचिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है। एक बात बोलिए, 60 केसेस हुए हैं आज तक, 60 केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। एक सेकंड दिखा सकते हैं? हाँ जी, एक सेकंड ये लीजिए। हिंदुओं के साथ नहीं हुआ सर, दो सबसे ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग का शिकार हिंदू हुआ है, ना कि मुस्लिम। क्या बात है, तो फिर आप कोई रिपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज मुझे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। टप्पल और ट्विंकल करना, हाँ, अलीगढ़ में, हाँ, हिंदू थी वो, 2.5 साल की बच्ची, हाँ पता है ना उसका रेप कैसे हुआ, कैसे? उसका रेप करके ना उसके पैर कैसे फाड़ दिया उसको, और दो तीन दिन तक ना, हाँ, हम गए थे मैम, हम वहाँ पे गए थे। हिंदू कैसे बसे चला दी, पता आपको? कौन कौन देखने गया था? मोदी जी देखने गए थे वहाँ पे, मोदी जी कहाँ पे क्लीन चिट किसके मामले में? बिल्कुल क्लीन चिट मिला हुआ है। अरे सर, अगर आप और अगर ममता, अगर आप ये मानते हैं कि कोई भी स्टेट अपैरेटस अगर हम गवर्नमेंट के नीचे ना है, तो आप ये गलत मानते हैं। क्योंकि अगर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, आज अगर कश्मीर के मामले में बात किया जाए, इतने सारे पिटीशंस दिए हुए हैं, लेकिन उनको पहले सुनना है राम मंदिर के बारे में। उन्होंने कश्मीर के, क्योंकि 60 दिन मंदिर में, जी प्रतीक है, आप कैसे बात कर रहे हो? आप 90 में कश्मीरी पंडित, 10 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया और तब नहीं बोले आप? राम, एक मिनट सर, एक मिनट, शांत। 20 साल से, एक मिनट, मैं भी नहीं, राम मंदिर का मुद्दा इस देश में 20 सालों से चल रहा है गुरुजी। एक मिनट, अरे मुझे तो बोलने दो, चुप हो जाइए, एक बार मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूँ, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ मैडम को बोलने दीजिए। मैम आप सिर्फ आप, मैं जो पूछ रहा हूँ मैं भी बोल सकता हूँ मैम, मेरे भी अधिकार है मैम। 20 साल मैंने जो पूछा उसका आंसर आपने दिया नहीं दिया आपने, नहीं नौटंकी आप सिर्फ बोलिए मुस्लिम। मैंने 60 केसेस 2004 से 60 केसेस, और ये रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्ड में है कि मुस्लिमों के साथ पहलू खान के साथ क्या हुआ है आपको पता नहीं है क्या? पहलू खान, हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, जो अभी मोदी जी ने अभी एक जो स्कीम निकाली थी जिसमें ये जो मुस्लिम्स का ट्रिपल तलाक का वो फंडा क्लोज किया था, एक मिनट, मुझे जितना पता मैं उतना बताऊंगा। किसके हित में है? हिंदुओं के हित में है क्या? मुस्लिम्स के बारे में भी बराबर सोच रहा ना बंदा, ठीक से जवाब, बहुत सोच रहा ना बंदा, तब तो किया उसने। 3 तलाक पे आ गई है मैम, बस मुझे जी 3 तलाक हटाएगा, सही है, तलाक सही है मैम। अरे ये पहले एक बात करके बोलिए ना, एक बंदे को करने दो, हर कोई यहाँ पे 3 तलाक हटाने के बाद क्या?
क्या, उसके बाद क्या, उसके डिवोर्स के कोई केसेस और किस तरीके के केसेस रजिस्टर करेंगे सर? हाँ स्टडी किया आए है, तभी तो कह रहे हैं कि तीन तलाक जब उसको बोला गया है, पहली बात तो वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं, दोनों चीज में डिफरेंस है। किसने किसने? हाँ हाँ लॉ सरकार, लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट में कितने वो है सभास, कितने कितने हैं? लोकसभा, अरे ये रहे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, किस लेवल पे आती है सुप्रीम कोर्ट? ये बेसिक अगर हमारे पास एजुकेशन ना है ना, तो हम यही करेंगे कि गवर्नमेंट मोदी एक, सुप्रीम कोर्ट मोदी एक। सर जी लोकसभा राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कानून बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था? आदेश पहले भी दिया गया था, ये पहली बार नहीं दिया गया था, पहले भी दिया गया था, आपने ला के पलट। आपको पता है आदेश क्या दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में? आपको पता है? आप बताइए। तलाक में बिल बनाने के लिए कहा गया सर, ट्रिपल तलाक में बिल बनाने को नहीं, डिक्रिमिनलाइज करने को बोला था। बिल बनाना जिसका जिसका मतलब ये है कि कोई अगर ट्रिपल तलाक दे तो उसको इमीडिएटली क्रिमिनलाइज कराना और डिक्रिमिनलाइज कराना, दोनों में डिफरेंस है कि ट्रिपल तलाक नहीं होगा, ट्रिपल तलाक कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एक सेकेंड, ट्रिपल तलाक इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ डिवोर्स, दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्रिमिनलाइज कराने का जो मुद्दा है, सजा नहीं देंगे तो रुकेगा कैसे? अरे सर अगर आप दूध पिलाएंगे तो सांप सांप काटेगा ना? अरे पहली बात तो अगर जूलॉजी की बात करें तो तीन तलाक दे दो बस जाओ, तीन शादी करो फिर उसके बच्चे करो, तीन तलाक दे दो जाओ अपने अपने घर। तो अगर यही सब कुछ सही था तो जब साहबानो केस में 1985 में शायद जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनलीगल करा दिया था, तो राजीव गांधी जी सरकार ने इसको क्यों बदला था संसदीय कानून ला के? यही आदेश लाया था ना कानून, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट पहले जानिए साहबानो प्रकरण है क्या, साहबानो प्रकरण है क्या जानिए? एक 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 महिला जो है तलाकशुदा महिला जो है मुआवजा भत्ते के लिए दावेदारी करती। हाँ पहले पूरी बात सुनिए तो फिर बताइए ना आपने, बताइए आप। हाँ क्या बताइए, बताइए 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 सब लोग सुने। हाँ क्या बताओ, सही महिला है? अरे उन्हें बोलने तो दो, राजीव गांधी ने, राजीव गांधी वोट बैंक की राजनीति के लिए मुआवजा भत्ते का ऐलान किया था, उसके लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका विरोध किया, उसके बाद पर्सनल मुआवजा भत्ता बंद हुआ, और उसके बाद ये मोदी सरकार बिल लाई, अध्यादेश लाई, ट्रिपल तलाक से देश को मुक्त किया। ये देश ट्रिपल तलाक से देश को मुक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की है। हमारे जो बुरके में रहने वाली महिलाएं कितनी आजादी से जी रही है, वो उसकी खुशी वही जानती है। महिलाओं के साथ इतना जो प्रेम है आपको, महिलाओं के साथ इतना प्रेम है तो महिलाओं के लिए आरक्षण दे दीजिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए। अगर अरे आप ही बताइए, सिर्फ महिलाओं को क्यों, सिर्फ महिलाओं को क्यों, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। जब डिबेट करने के हालत में होगे, जब असली जर्नलिस्टिक क्वेश्चन आप पूछने के लिए तैयार होंगे, तब आके आप पूछना है ना। हमेशा आके एक मुद्दे को ये सुन पा रहा है ना, जनाब एक और यहाँ पे शुभ नाम, मेरा नाम कार्तिकेय है, और जनाब जब एक और रिपब्लिक टीवी तैयार करने के में मूड में नहीं होंगे आप, तब आइएगा, क्योंकि हर मुद्दे को आगे ये मत बोला कीजिए, ये मत बोला कीजिए, आप ये मत बोला, आपका सवाल जी मैंने बोला है और मुझे ज्यादा टाइम आपके दिया है माइक, ये कैसे आपत्ति जता रहे हैं आप?